नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मल्टी बैगर से जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, वह है हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों अगर इस आईपीओ के लिए आपने अप्लाई किया था, अगर नहीं मिला, अगर मिला तो जरूर आप इसमें से कुछ क्वांटिटी लंबे टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको दो लॉट मिला तो एक लॉट जरूर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि आपको काफी ज्यादा लिस्टिंग गेन भी प्राप्त हुआ था। ऐसे में आपके लिए होल्ड करना आप क्वांटिटी को काफी बेहतरीन रहेगा। साथ साथ जिन्हें नहीं मिला, जैसे हमें भी नहीं मिला, मैंने भी हैप्पीएस्ट माइंड के लिए अप्लाई किया था, नहीं मिला, तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अब जो हमारी क्वांटिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमें एक भी लॉट नहीं मिला। तो अब हम जो इन्वेस्ट करेंगे, अगर हम पहले 5 लॉट इन्वेस्ट करना चाहते थे इसमें, तो अब हम इसमें 1 लॉट 2 लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 1 लॉट के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे इसमें, तो अब क्योंकि हमें आईपीओ तो मिला नहीं, तो शेयर काफ़ी महंगे हो चुके हैं। 200 रुपया वहाँ से ऊपर मिल रहा है, जो आईपीओ में प्राइस था उससे 200 रुपया ऊपर शेयर मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर, जो हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ में प्राइस था 165 था, यहाँ पर शेयर का प्राइस अभी है 363। मैं 2-4 दिनों से वेट कर रहा था कि इसमें कुछ करेक्शन आ जाए, क्योंकि मार्केट में गिरावट था। करेक्शन तो आया, लेकिन एक ही दिन में ये देख सकते हैं 26 रुपीज़ आज अप है। मतलब जितना गिरावट आया 2-3 दिन में, एक ही दिन में रिकवर कर लिया। दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बेहतरीन है, तो हम बिजनेस मॉडल की बात लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी कंपनी लिस्ट ही हुई है। तो जितना तेजी से आप देख रहे हैं प्राइस मतलब ऊपर जाता है, उतना तेजी से इसमें करेक्शन भी आ सकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो नई कंपनियां हैं उसे आपको वक्त देना पड़ेगा, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस देती है उसके अनुसार उसका परफॉर्मेंस होगा स्टॉक मार्केट में। तो याद रखिएगा, जो नई कंपनियां हैं अगर वो जितना जल्दी ऊपर जाती है उतनी ही तेज उसमें गिरावट भी हो सकती है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट हो जाए, और फिर से वो अगर आपके नीचे वैल्यूएशन मिलता है तो फिर से री एंटर कर लेंगे। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 5000 करोड़ है, यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना हो गया, 5000 करोड़। तो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन प्राप्त हुआ शेयर होल्डर को इस स्टॉक में। इसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन फाइनेंशियल अभी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलिए ये भी नहीं दिखेगा। सिर्फ पीर कंपैरिजन में जाइएगा तो आपको ये दिखेगा, क्योंकि अभी नई कंपनी है इसका डाटा आपको उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन इसके आईपीओ में डाटा में चलेंगे तो सारी डिटेल हम इसके देख सकते हैं। कंपनी का जो शेयर प्राइस अभी है 363, और जो कैटेगरी है देख सकते हैं TCS, इन्फोसिस, SCL टेक, विप्रो, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस और काफ़ी मॉडर्न है, इसलिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके हम वेबसाइट पर चलेंगे, कंपनी के बिजनेस को भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बेहतरीन है इसकी भी बात करेंगे। यहाँ पर कंपनी के जो आप जो है आकर के आईपीओ के मतलब पेज पर आप कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसको देख सकते हैं। तो देखते हैं कंपनी जो हमारा लॉस में थी 2018 में देख सकते हैं लॉस में कंपनी चल रही थी। कंपनी का लॉस था कितना का, 22 करोड़ का। वहीं कंपनी 2019 के फाइनेंशियल ईयर में आ गया 14 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और वहीं कंपनी 2020 फाइनेंशियल ईयर में आ गया 71 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। ये मिलियन में है, मिलियन में 10 से डिवाइड करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 20 क्वार्टर, एक ही क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 50 करोड़ का। यहाँ पर देख लीजिए, एक ही क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 50 करोड़ का। तो कंपनी जबरदस्त रूप से ग्रो कर रही है, और जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं उस पर पैंडेमिक में कोई असर नहीं हो रहा है जो आईटी कंपनियाँ हैं। इसलिए आप देखते हैं आईटी कंपनियों में अगर एक दिन गिरावट आता है तो दूसरे दिन उससे दोगुनी तेजी देखने मिलती है। तो दोस्तों जो टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, जो आईटी कंपनियाँ हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। लेकिन याद रखिए, ऐसे कंपनियों में अगर कभी निगेटिव न्यूज़ आता है तो गिरावट भी उतनी ही जोरदार होगी। तो आप इसमें स्टॉप लॉस अपना जरूर लगा के रखें। तो आपका जीरोधा में अकाउंट है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना भी काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अगर अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए हम आने वाले समय में आपको जो पर्सनल ट्रेडिंग है उसके लिए भी प्रोवाइड करेंगे स्टॉक्स, और इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देंगे लिंक से ओपन कर सकते हैं, और कुछ दिन वेट करना पड़ेगा और सारे फैसिलिटीज आपको धीरे धीरे मिलेंगे। आपने देख लिया कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। कंपनी अभी तो लिस्ट ही हुए थे, इसका जो टेक्निकल चार्ट है उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पर। तो ये है कंपनी का वेबसाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है पूरे डिकेड में, मतलब जो पूरा 10 साल का है समय, उसमें कंपनी सबसे अच्छा आईपीओ लिस्टिंग गेन प्राप्त हुआ है इस कंपनी का। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस का, तो यहाँ पर आप देखते जाइए काफ़ी अच्छा देख सकते हैं, मल्टी मिलीनियर डॉलर सेविंग्स
देखते हैं लार्ज यूएस होम इम्प्रूवमेंट स्टोर, सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट स्टोर के रूप में ये कंपनी काम करती है। यहाँ पर आप पढ़ते जाइए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस, देख 11 कंट्रीज में ये कंपनी सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है 11 कंट्रीज में कंप्लेंस मैनेजमेंट में। तो यह कंपनी के बिजनेस के बारे में एकदम पूरे डिटेल्स दिया है, आप इस कंपनी के बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से जान सकते हैं। देखिए 4 बिलियंस प्लस सीमलेस ट्रांजेक्शन, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस कंपनी का बिजनेस। और पूरी तरह से यहाँ पर देख लीजिए डिजिटल सर्विस बिजनेस, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, यहाँ पर देख लीजिए इंफ्रा सिक्योरिटी सर्विस में है, और यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये कई सारे बिजनेस है इस कंपनी का, और सारे के सारे बिजनेस जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जो कि बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। और नीचे चलते हैं तो इस कंपनी के बिजनेस में देख लीजिए क्या है, ब्लॉकचेन है, डाटा साइंस है, डेवलपमेंट है डाटा का, जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर का, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो आप यहाँ पर देखते हैं कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है और टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है, और काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, आ करके कंपनी की वेबसाइट पर आप डिटेल में इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे आप इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन विथ स्टॉप लॉस इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि जितनी तेज़ी से इस कंपनी में आपको रिटर्न प्राप्त होगा उतनी तेज़ी से डाउनफॉल भी देखने मिल सकता है, कभी भी कोई निगेटिव न्यूज आती है। तो ज़रूर इन्वेस्ट करें इस कंपनी में, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, आपको भी इन्वेस्ट करने की सलाह देता हूं, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करना, और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे लगातार नज़र बनाए रखना है, कंपनी कैसा रिजल्ट दे रही है, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट किस रेशियो से इंक्रीज हो रहा है, कैश फ्लो और रिजर्व कंपनी का किस रूप से इंक्रीज हो रहा है, तो सारी बातों पर आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।